क्लैंप कनेक्शन। इस ई लेक्चर के माध्यम से हम आज क्लैंप कनेक्शन को स्टडी करेंगे। क्लैंप कनेक्शन क्या है? बेसिडियो माइसिटीज क्लास में जो सेकेंडरी माइसीलियम है, द्वितीयक कवक जाल है, इसमें डिवीजन, सेल डिवीजन एक खास मेथड से होता है और यह मेथड जो है क्लैंप कनेक्शन कहलाता है। इस विधि में जो टर्मिनल सेल है इससे एक लेटरल आउटग्रोथ अराइज होती है और इस लेटरल ग्रोथ को ही हम क्लैंप कहते हैं। क्लैंप कनेक्शन को स्टडी करने से पहले हम यह जानेंगे कि सेकेंडरी माइसीलियम का निर्माण कैसे होता है। आइए स्टडी करते हैं। सेकेंडरी माइसीलियम का निर्माण जो है प्राइमरी माइसीलियम से होता है और प्राइमरी माइसीलियम या प्राथमिक कवक जाल वह कवक जाल होता है जिसकी प्रत्येक कोशिका में एक सिंगल एक केंद्रक उपस्थित होता है। प्राइमरी माइसीलियम दो स्ट्रेन की होती है, प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन। दो अपोजिट स्ट्रेन ऑफ प्राइमरी माइसीलियम में जब फ्यूजन होता है, इनकी कोशिकाओं में जब फ्यूजन होता है और इस फ्यूजन के फलस्वरूप जो है प्लाज्मोगैमी के फलस्वरूप एक डाइकैरियन सेल का निर्माण होता है। अपोजिट स्ट्रेन की प्राइमरी माइसीलियम एक दूसरे के समीप आ जाती हैं और इन कोशिकाओं के बीच में उपस्थित कोशिका भित्ति डिजॉल्व हो जाती है और कोशिका द्रव्य संलयन हो जाता है। इस मेथड को हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं और इस विधि के द्वारा एक डाइकैरियन सेल, डाइकैरियन सेल मींस वह कोशिका होती है जिसमें दो भिन्न जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियाई एक ही कोशिका में उपस्थित होते हैं। ऐसी कोशिका को हम डाइकैरियन सेल कहते हैं और यह डाइकैरियन सेल क्लैंप कनेक्शन विधि द्वारा विभाजित करके सेकेंडरी माइसीलियम का निर्माण करती है। तो इस तरह हमने देखा कि सेकेंडरी माइसीलियम का जो निर्माण होता है यह प्राइमरी माइसीलियम में होता है। प्राइमरी माइसीलियम की प्रत्येक कोशिका में एक न्यूक्लियस उपस्थित होता है, जबकि सेकेंडरी माइसीलियम की प्रत्येक कोशिका में दो विभिन्न जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियाई उपस्थित होते हैं। प्लाज्मोगैमी के ठीक पश्चात कैरियोगैमी न होने के फलस्वरूप, कैरियोगैमी मीन्स न्यूक्लियर फ्यूजन न होने के फलस्वरूप ही दो डिफरेंट न्यूक्लियाई एक ही सेल में उपस्थित हैं। इस माइसीलियम को हम सेकेंडरी माइसीलियम कहते हैं। सेकेंडरी माइसीलियम का निर्माण दो विभिन्न स्ट्रेन के बेसिडियो स्पोर से बनने वाली जर्म ट्यूब के फ्यूजन से भी हो सकता है अथवा दो भिन्न स्ट्रेन के बेसिडियो स्पोर के बीच में कंजुगेशन से भी हो सकता है अथवा दो भिन्न संक्रमण नलिकाओं के इन्फेक्शन थ्रेड के फ्यूजन से भी सेकेंडरी माइसीलियम का निर्माण हो सकता है। और सेकेंडरी माइसीलियम के निर्माण जो है डाइकैरियन कोशिका से होता है। डाइकैरियन कोशिका में खास विधि द्वारा जो है डिवीजन होता है, इसे ही हम क्लैंप बंध या क्लैंप कनेक्शन कहते हैं। आइए इसे स्टडी करते हैं। जो डाइकैरियन कोशिका होती है वह टर्मिनल होती है और क्लैंप बंध हमेशा टर्मिनल कोशिका में ही होता है। यह डाइकैरियन कोशिका में दो केंद्रक उपस्थित हैं, ए और बी। इस टर्मिनल सेल में एक लैटरल में पार्श्व में एक छोटी आउटग्रोथ अराइज होती है जिसे हम जो है पाउच लाइक आउटग्रोथ कहते हैं। थैलीनुमा संरचना इसके पार्श्व जो है हिस्से में अराइज होती है, निकलती है और इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में ए न्यूक्लियस जो है स्थानांतरित या ट्रांसफर हो जाता है। दोनों ही केंद्रक में ए व बी में न्यूक्लियर डिवीजन होता है। न्यूक्लियर डिवीजन के फलस्वरूप चार केंद्रक बनते हैं। एक केंद्रक जो पाउच में उपस्थित है और दूसरा केंद्रक पाउच से टर्मिनल कोशिका में आ जाता है। जो बी केंद्रक है इसके डिवीजन से भी दो केंद्रक बने,
टर्मिनल कोशिका में ही उपस्थित होता है और दूसरा केंद्रक जो है टर्मिनल कोशिका में थोड़ा सा नीचे की ओर स्थित हो जाता है। केंद्रकों के स्थानांतरण के पश्चात नेक्स्ट स्टेप है सेप्टा का फॉर्मेशन। सेप्टा का फॉर्मेशन होता है, एक सेप्टा इस थैलीनुमा संरचना को टर्मिनल कोशिका से अंतस्थ कोशिका से अलग कर देती है और दूसरी सेप्टा इस टर्मिनल कोशिका को अंतस्थ कोशिका को उप अंतस्थ कोशिका से अलग कर देती है, जिससे कि बी न्यूक्लियस जो बी न्यूक्लियस के डिवीजन से जो दो दूसरा केंद्रक बना था यह सब टर्मिनल कोशिका में आ जाता है। इस तरह तीन कोशिकाओं का निर्माण होता है, पहली टर्मिनल सेल अंतस्थ कोशिका, दूसरी सब टर्मिनल सेल उप अंतस्थ कोशिका और तीसरी यह लेटरल सेल। यह लेटरल सेल जो है ग्रो करती है और पीछे की ओर ग्रो करेगी, डाउनवर्डली ग्रो करेगी और यह डाउनवर्डली ग्रो करके इस सब टर्मिनल सेल से फ्यूज करती है, इनके बीच की जो कोशिका भित्ति है डिजॉल्व हो जाती है और इसमें उपस्थित ए न्यूक्लियस इस सब टर्मिनल कोशिका में स्थानांतरित या ट्रांसफर हो जाता है। इस तरह यह जो स्ट्रक्चर बन रहा है लेटरली थैलीनुमा पाउच नुमा जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इस स्ट्रक्चर को ही हम क्लैंप कनेक्शन अथवा क्लैंप बंद कहते हैं और यह जो क्लैंप बंद है सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल सेल में ही बनता है। इस तरह टर्मिनल सेल से एक और डायकैरियन कोशिका का निर्माण होता है और रिपीटेड इस तरह डिवीजन होने से क्लैंप कनेक्शंस के द्वारा एक सेकेंडरी माइसीलियम का निर्माण हो जाता है एक डायकैरियन सेल से। इस तरह हमने देखा कि एक टर्मिनल डायकैरियन सेल बन चुकी है और दूसरी सब टर्मिनल डायकैरियन कोशिका है और दोनों में ही दो डिफरेंट जेनेटिकली स्ट्रेन के न्यूक्लियाई उपस्थित हैं। इस विधि को इस तरह के जो डिवीजन हो रहा है सेल का क्लैंप के द्वारा इसे हम क्लैंप कनेक्शन कहते हैं और यह क्लैंप कनेक्शन के द्वारा जो सेकेंडरी माइसीलियम बन रहा है यह बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग की एक विशेषता है, बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग में ही होता है। इस तरह हमने देखा कि सेकेंडरी माइसीलियम का निर्माण जो है प्राइमरी माइसीलियम से होता है। प्राइमरी माइसीलियम सबसे पहले प्लाज्मोकेमी विधि द्वारा डायकैरियन सेल का निर्माण करता है और डायकैरियन सेल बाद में क्लैंप कनेक्शन विधि द्वारा डिवाइड करके सेकेंडरी माइसीलियम का निर्माण करती है। धन्यवाद।